डोंट थिंक ऑफ कट ऑफ नाउ. मेरे को पता है आप में से कई सारे ईमानदारी से अगर मैं पूछ लू ना कितने बच्चों ने नेट पर जाके गूगल कर लिया है यार इस स्कोर में क्या मिलेगा, दिल बना दो एक बार. अब देखो आप कुछ बच्चे कहेंगे सर कितना स्कोर होना चाहिए, मेरा स्कोर में क्या कॉलेज मिलेगा, ये सारे सवाल आप कहेंगे. कितने बच्चों ने ये चीजें करनी स्टार्ट कर दी, एक बार दिल बना दो, बना दो. और मैं अभी देखो जो मेरे को मानता होगा ना, थोड़ा सा भी मानता होगा, और मैं अगर आपको बोलूंगा अगर आप वो फॉलो करोगे डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा. करना स्टार्ट किया ना आपने, कुछ बच्चों ने नहीं किया, वेरी गुड, मत करना इस चीज में, दिस इज नॉट द टाइम. जैसे आपका जेईई मेंस 2 हो जाएगा आपको एडवांस नहीं देना है, पूरा टाइम इसी चीज के लिए, दिन भर हजारों करोड़ों वीडियो देखनी हो देख लेना. दिस इज नॉट द टाइम कि आप अपने अभी के स्कोर से देखें कि आपको क्या मिलने वाला है, कुछ नहीं होने वाला आपसे. आपका जो ये समय है ये इतना लिमिटेड समय है, इतना लिमिटेड समय है, आपके दिमाग में सिर्फ ये होना चाहिए कि भाई मेरा जो भी स्कोर आया इससे ऊपर कैसे बढ़ना है, इससे ऊपर कैसे बढ़ना है. आज के हिसाब से जो भी आपको कॉलेज मिल रहा हो कल भी मिल जाएगा, क्योंकि मार्क्स तो एक बार फिक्स हो गए ना, इससे ऊपर बढ़ोगे तो कॉलेज अच्छा हो जाएगा. प्लीज आप इसमें एक मिनट भी, एक मतलब ये भी मत सोचना कि यार मेरे को मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं क्या मेरे को प्राइवेट मिलेगा या एनआईटी मिलेगा, नहीं सोचना. जेईई मेंस 2 के बाद सोच लेना, खुल के सोच लेना फिर, ठीक है. कोई और चीज मत करना, दिन भर यही कर लेना, लेकिन अभी नहीं, कट ऑफ वट ऑफ कुछ नहीं. आपको बस ये है कि भाई मेरे मार्क्स आए मेरे को और इंप्रूव करना, अभी भी मेरे पास सेकंड अटेम्प्ट है. कट ऑफ कुछ भी जाए मेरे को इंप्रूव करना है, ठीक है. सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी स्पिरिट हाई रखो, कीप वर्किंग इन द डायरेक्शन ऑफ अटेनिंग अवर मैक्सिमम. देखो भाई आप में से कई सारे ऐसे बच्चे हैं, मैं आपको पहले भी दो साल, कई बच्चे दो साल से कनेक्टेड होंगे, मैं आपको भी पहले बता रहा हूं, नाव में ना चप्पू आप चाहे कितनी भी तेज चला लो, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, नाव में बैठ के चप्पू आप काहे कितनी भी तेज चला लो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर डायरेक्शन खराब है. अगर आप गलत डायरेक्शन में खूब जान से चप्पू चलाओगे ना तो गलत डायरेक्शन में ही पहुंचोगे. जो आपकी तैयारी है ना वो डायरेक्शन सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. आप मेहनत तो कर रहे हो लेकिन वही बात है, आप मेहनत गलत डायरेक्शन में कर रहे हो और फिर कह रहे हो रिजल्ट नहीं आ रहा है. सेम चीज है नाव चलाना. अगर आपने डायरेक्शन गलत रखी आप पूरी एनर्जी लगा दो आप गलत ही पहुंचोगे. इट्स नॉट अबाउट कि आप एफर्ट्स कितना डाल रहे हैं, इट्स अबाउट कि आप एफर्ट्स किस डायरेक्शन में डाल रहे हैं, ठीक है. तो आप सभी लोगों को ये चीज समझना है कि आपको तो एक तो ओवरथिंक नहीं करना है कि मार्क्स क्या है, कट ऑफ क्या है, बेस्ट टाइम टेबल क्या होगा, वो नो टाइम वेस्ट है. अब कोई बकवास चीज नहीं कि सुबह इतने बजे उठना रात को इतने बजे सोना, कुछ नहीं, मेरे को समय बर्बाद नहीं करना, यही मेरा बेस्ट टाइम टेबल है. जितने बच्चे अभी टाइम टेबल पूछने वाले होंगे कि सर मैं कैसे मैनेज करूं, नो टाइम वेस्ट. अगर आपने समय बर्बाद नहीं करा आप सब मैनेज कर लीजिएगा, इतना समय है, पर्याप्त है, ठीक है. मैं आपको ये कॉन्फिडेंस दिलाने आया हूं कि यहां से भी बच्चे करके जाते हैं और अच्छा करके जाते हैं, अच्छी रैंक लेके जाते हैं, टॉप 500 के अंदर रैंक लेके आते हैं. बस बात यह है कि उन्होंने ये चीज की होती है. अब आपके अगर अंदर हिम्मत है चीज को करने की तो आप करके देख लीजिए. कंट्रोल नेगेटिव मार्किंग, सारे बच्चे अपने नेगेटिव मार्किंग बताएं. गला फट गया था भैया बढ़ाते बढ़ाते तुम्हें कि भैया लालच मत करना. सारे बच्चे मेरे को बताना कंट्रोल नेगेटिव मार्किंग में आपकी नेगेटिव मार्किंग कितनी थी, पहले तो मेरे को ये बता दो. बताइए बताइए, 4 मार्क भी जोड़ के बोलने हैं. एक सवाल अगर आपका गलत हुआ तो -1 नेगेटिव नहीं है, वो 4 मार्क आपको मिल जाते, अगर सही हो जाता तो मिल जाते, तो उसको जोड़ते ना आप, तो गवाया भी तो है ना आपने वो 4 मार्क. तो वो 4 और 1 नेगेटिव, एक सवाल गलत होने का -5 हुआ आपका, ठीक है, उसके हिसाब से बताना. -1 नहीं है भाई, आप 1 मार्क नहीं गवाते, आप 5 मार्क गवाते हैं सीधे, ये पहले सोच बदल लीजिए. और उसके हिसाब से जरा सारे बच्चे मेरे को बताना कितने मार्क्स गवाए हैं आपने. जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है, अगर आप तुक्का नहीं मार रहे, ठीक है, तुक्का मार रहे तो उसके बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए. अगर आपने क्वेश्चन लॉजिकली अटेम्प्ट करने की कोशिश करी, आपने कहीं पढ़ा था, कुछ फॉर्मूला याद था, जो भी, अगर वो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है तभी आप नेगेटिव खाते हैं. गलत आपको अगर मैं कोई ऐसा क्वेश्चन दे दूं जो आपके सिलेबस का ही नहीं है, ठीक है, मान लीजिए मैंने आपको हिस्ट्री का कोई सवाल दे दिया, आपको नहीं पता तो आप नहीं करोगे उस क्वेश्चन को, अकाउंट्स का दे दिया नहीं कर सकते, ठीक है. लेकिन अगर आपका फिजिक्स का सवाल है जो आपको आता है वही आप गलत करते हैं, दैट मींस जितने आपके ये नेगेटिव आ रहे ना, अब आप सारे बच्चे इसको जरा एक बार जोड़ के सोचिएगा. अगर आपने तुक्का नहीं मारा है, आपने करा है, अगर आपने उन्हीं चीजों को थोड़ा सा और टाइम, 2 साल में इतना टाइम तो था कि उन्हीं चीजों को ढंग से कर लिया होता, दिल बनाना इस बात. देखो यार रियलाइजेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है आज, और अगर आप बिना रियलाइजेशन करें उसी रिदम में चलते चले जाएंगे, आपको डिफरेंस ही नहीं पता रहेगा कि करना क्या था यार. जो आप देखो कितने कितने नेगेटिव खाए भाई, 25 40 60 मार्क इतने इतने नेगेटिव खा के आए हो, अगर उन क्वेश्चंस को अगर आप एक बार एनालाइज करें तो आपको ये फील हो जाएगा यार उसमें कोई बहुत बड़ी चीज मैंने गलत नहीं करी, बहुत माइनर सी चीज गलत करी, और वो माइनर सी चीज गलत करने के लिए मेरे पास 2 साल थे कि मैं सुधार सकता था.
अगर मैंने थोड़ा सा स्टार्टिंग से कंसिस्टेंसी दिखाई होती तो ये मार्क्स मेरे आज टोटल में जुड़ रहे होते। और भाई उतने मार्क्स अगर आप जोड़ लोगे ना, तो एक तो सबसे पहली बात फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी आपके अंदर, इतनी फ्रस्ट्रेशन होगी ना, जिसका एक सवाल भी आता हुआ गलत होता है ना, घर आके भाई साहब मन करता है दीवार में घुसा मार के दीवार फोड़ दूं, ऐसा गुस्सा आता है भाई। और आप ये फ्रस्ट्रेशन के साथ दूसरी तैयारी करने जा रहे हैं। मैंने आपको पहले बोला था भाई, जितना सही समझ आए उतना करके आना, नेगेटिव मत खा के आना, अदरवाइज नेगेटिव की फ्रस्ट्रेशन आप नहीं झेल पाओगे। और ये देखो ये वही है, इसकी वजह से आपके कई दिन कई घंटे खराब होने वाले, आपके अंदर डर बैठने वाला, डिमोटिवेशन आने वाली। सबसे पहले आपको करना है कि आपको अपनी नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करनी है। सर ये कैसे होती है? इसको करने के बहुत अन्य प्रकार है, तरीके हैं। सबसे पहली बात, आप टेस्ट ज्यादा दें, जो गलतियां आपकी हो रही हैं उन थ्योरी को रिवाइज करिए, बोल बोल के हम लोग छाले पड़ जाएंगे भाई साहब मुंह में, उनको आप रिवाइज करें, उनके ऊपर 10 क्वेश्चन लगाएं। और अगली बार अगर आपके टेस्ट में ये सवाल गलत होते जा रहे हैं फिर भी उस क्वेश्चन को आप एग्जाम में मत करिए, क्योंकि आपको कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा। अगर आपने सुधार लिया एक दो टेस्ट में, आपने देखा कि यार ये वाला सवाल पहले गलत हुआ था अब नहीं हो रहा है, दैट मींस मेरा कंसेप्ट अब कहीं ना कहीं सही हो चुका है, अब मैं इसको एग्जाम में कर सकता हूं। अगर आपने टेस्ट ही नहीं दिए तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपको आता क्या है और नहीं क्या आता है, ठीक है, तभी आपसे गलतियां हो रही। तो सबसे पहले तो आपको टेस्ट देने पड़ेंगे, टेस्ट देने के बाद उनको एनालाइज करना पड़ेगा, जो गलत हो रहे हैं उनको रिवाइज करना पड़ेगा, उनके ऊपर और क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, तब जाके आपको समझ आएगा। दूसरी बात, रीडिंग हैबिट बनाएंगे। सर रीडिंग हैबिट, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करें, मोबाइल से नहीं, हार्ड न्यूज़पेपर घर पे मंगाइए और उसको पढ़िए, आपका दिमाग भी रिलैक्स होगा, नॉलेज भी बढ़ेगी। और दूसरी बात आपकी रीडिंग हैबिट, अब आप सभी लोगों को एडवांस का पेपर भी तैयार करना है, एडवांस में पैसेज क्वेश्चन आएंगे, कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन है, मैच दी कॉलम है, उसमें आपकी रीडिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। अचानक से नहीं होता कि आपने पढ़े ही एक एक लाइन के सवाल हैं और अचानक से इतना बड़ा सवाल आ गया तो आप कर ले जाएंगे, आपको पहली इरिटेशन आ जाएगी, यार इतना बड़ा सवाल मैं कैसे इंटरप्रेट करूंगा। तो आपको रीडिंग हैबिट होनी चाहिए, और रीडिंग हैबिट होगी तभी आप क्वेश्चन को सही एनालाइज कर पाएंगे। प्लीज एनालाइज दी एरर, जो आपसे गलतियां हो रही है कि क्या आप क्वेश्चन गलत पढ़ रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, क्या आप क्वेश्चन गलत पढ़ रहे हैं, क्या आप फॉर्मूला गलत लगा रहे हैं, क्या आप कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं, क्या आप आंसर गलत मार्क कर रहे हैं, ये चार पैरामीटर पे ही आप गलती करते हैं। तो आप पहले इस एनालाइज करें कि आपकी गलती हो क्या रही है, रीडिंग पर हो रही है तो रीडिंग हैबिट सुधारिए, फॉर्मूले पर हो रही है तो फॉर्मूले रिवाइज करिए, कैलकुलेशन पर हो रही है तो ये छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखिए, और आंसर मार्क करने से पहले एक बार पूरा एनालाइज करके फिर ही कॉन्शियसली आंसर मार्क करिए। यही तरीका है अपनी नेगेटिव को कंट्रोल करने का। तो एरर्स को आप एनालाइज करेंगे, डू बेसिक मैथ्स, एनसीईआरटी रीड नहीं करनी, नहीं आपको एनसीईआरटी अब रीड नहीं करनी, क्योंकि उसमें आपका दिमाग फिजिक्स में चला जाए, मैं चाहता हूं रीडिंग हैबिट रहे, ठीक है। आप नॉर्मल कुछ भी रीडिंग करिए, आपको ब्रेक चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से, ब्रेक चाहिए आप न्यूज़पेपर रीड करिए। बेसिक मैथ्स मैं बता रहा हूं, टेबल्स कईयों को रहेगा यार मैं कर लूंगा ना मल्टीप्लाई, जैसे मेरे में भी है कर लूंगा ना, ये आपका समय खाता है, फिजिक्स का समय बचाने वाला था इस बार। टेबल्स, डिवीजन, क्रॉस मल्टीप्लाई, ब्रैकेट ओपन करना, स्क्वायर रूट याद कर लीजिए कम से कम कुछ के, क्यूब रूट याद करके रखिए, स्क्वायर्स की वैल्यूज याद कर लीजिए, क्यूब्स की वैल्यू याद कर लीजिए, लॉग टेबल्स की कुछ वैल्यूज याद कर लीजिए, ये ना हो कि इनके चक्कर में आपका क्वेश्चन अटका पड़ा है, ठीक है। जो बेसिक टेक्निक्स हैं, जो बेसिक वैल्यूज हैं, वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर एक फ्रैक्शन आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए यार इसका अंदाजा कहीं ना कहीं दो आएगा, टेबल्स आपको याद है अंदाजा दो के आसपास आएगा, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके आगे बढ़ सकते हैं, ये बेनिफिट होगा। जिनकी ये वाली दिक्कत है ना, मैं लिटरली बता रहा हूं, उनको ही अपना समय कंट्रोल नहीं होता, मैं लिटरली बता रहा हूं। कई बार क्वेश्चन आपको आता होता है, आप जल्दी जल्दी करते हो और आपके अंदर ये डाउट होता है यार मैंने पक्का गलत कर दिया। किन किन के साथ ये होता है? गधे वाली हरकतें मत करो बेटा, 18 साल के होने वाले हो, इंग्लिश की किताब पढ़ू या न्यूज़पेपर पढ़ू, ठीक है। 18 साल के होने वाले हो, कम से कम इतना समझ रखो, और अगर इतना नहीं समझ आ रहा है तो मैं लिटरली बता रहा हूं आप इस तैयारी को भी छोड़ सकते हैं, फिर फ्री हो जाइए। किस किस के अंदर यह होता है? क्वेश्चन का कंसेप्ट पता है यार, ये तो क्लास में कहीं ना कहीं बताया, फॉर्मुला भी याद आ रहा, करने लगे और अंदर ही डाउट आना स्टार्ट हो गया, यार मैंने पक्का ब्रैकेट ओपन गलत करा है, मैंने पक्का यार ये क्रॉस मल्टीप्लाई में गलत कर दिया, प्लस साइन इसको उधर ले जाने में और इसको इधर ले जाने, ये आ जाता है। कईयों में नहीं आता है, कई बहुत शार्प होते हैं कैलकुलेशन में, मेजोरिटी में आता, और ये मेरे को भी आता था। मेरा फोकस क्वेश्चन से हट करके कैलकुलेशन पे चला जाता है और उसकी वजह से कई बार क्वेश्चन खराब हो जाता था। अब 2 महीने के अंदर आपके जितने भी क्वेश्चन है, सर इसको इंप्रूव कैसे करें, कुछ तो बेसिक चीजों को याद रखिए और नंबर ऑफ स्टेप्स प्रैक्टिस करते समय इंक्रीज रखिए। क्वेश्चन को उड़ाने की कोशिश मत करिए, अच्छा ये क्वेश्चन है इसमें ये करना है ये करना है ये करना, नहीं भाई प्रॉपर सॉल्व कर लो एग्जाम में। जितना आप पहले सॉल्व करके जाएंगे, जितनी आपने मेहनत पहले लगाई होगी, उतना ही कम एग्जाम में लगेगा, लिटरली बता रहा हूं। अगर आपने यहां पर उड़ाया ना, एग्जाम में हाथ कांपेंगे, यार मैंने कहीं गलत तो नहीं कर दिया, मैं जल्दबाजी में कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूं, ये डाउट आते हैं।
तो प्लीज आप इस चीज पर ध्यान रखेंगे, डोंट ओवर बर्डन योर सेल्फ विद लॉट ऑफ वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रॉब्लम क्या है ना, अभी आप सभी लोगों का एग्जाम हुआ है ना, अब बच्चे क्या करेंगे ना, अपने फेलियर को कंपनसेट करने के लिए या अपने डिप्रेशन को कंपनसेट करने के लिए इतना भयंकर टेंटेटिव प्लान बनाएंगे, मैं ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, और इतना बर्डन कर लेंगे कि होगा ही नहीं कुछ। 20 दिन के बाद कहेंगे सर कुछ नहीं हो रहा, मेरे को ना समझ नहीं आ रहा। डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। मैं आपको यह बताऊंगा, स्टडी रेलिवेंट, जो आपके लिए रेलिवेंट है ना, जो आपको क्लास में पढ़ाया गया है वही आपको करना था।